आप सभी को पता है कि आज के टाइम पर सोशल मीडिया काफ़ी ट्रेंडिंग पे है। हर कोई फेमस होना चाहता है, इसलिए मैं कुछ ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिससे आप आसानी से यूज़ करके एक अच्छा एडिटर बन सकते हो। तो आखिर कौन सा एप्लीकेशन है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। चलो आखिर देखते हैं कौन सा एप्लीकेशन है। यूट्यूब बोल के एक एप्लीकेशन है। अब ये एप्लीकेशन ऐसा है ना गाइस, ये ऑल इन वन है। इसमें आप फोटो एडिट भी कर सकते हो और वीडियो एडिट भी कर सकते हो। और एक तो सबसे बेस्ट फीचर्स मुझे इसमें का ये लगा कि अगर आप वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो, तो वो भी इस एप्लीकेशन में ईजी कर सकते हो, बहुत ही आसानी से। आप देख सकते हो इसमें फ़ोटो भी शूट कर सकते हो आप HD में, शूट बोल के यहाँ पे HD कैमरा भी दिया गया है जो कि आप डायरेक्ट यहाँ से शूट कर सकते हो। आप देख सकते हो मेरे पास ये इमेज है। अब ये इमेज को देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर दिए गए हैं जिससे आप यूज़ कर सकते हैं। और फिल्टर भी ऐसा है कि इसके फुल HD में आप कन्वर्ट करके देगा आपको। आप देख सकते हो यहाँ पे चेंजेस का ऑप्शन दिया है, कम ज़्यादा करने का, ये देख सकते हो। तो कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ VIP भी है इनका, बट हमें तो VIP चाहिए नहीं अभी। आप देख सकते हो इसमें आईलैशेस वगैरह, देख सकते काफ़ी अच्छा बना दिया इमेजेस को। तो देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, देख सकते हो काफ़ी आपको डिफरेंस दिखेगा इसमें। तो इस तरह से यह ऐप में आपको बहुत ही चीज़ मिल जाएगा और वो भी बहुत ही फ्री में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्मूथ का भी ऑप्शन दिया गया, आप इसमें स्मूथ कर सकते हो। देख सकते हो स्मूथ कर दिया एकदम, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। और स्मूथ भी ऐसा कराया गया जैसा ऐसा लग रहा है, एकदम नेचुरल स्मूथ किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्किन डिटेलिंग बोल के है, अब यहाँ पे क्लैरिटी वगैरह भी आप सेट कर सकते हो जितना आपको क्लैरिटी चाहिए। अब तो ये हो गया फोटो का, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक्चुअली इस पर थोड़ा ऐड वगैरह रन करता है, बट कैसे थोड़े देर के लिए रहता है तो हट जाता है। आप देख सकते हो इमेज सेव, इमेज क्वालिटी HD इमेज क्वालिटी बोल के आया, ठीक है हम इसको बैक कर देंगे। अब हम चलेंगे वीडियो पे। ऐप थोड़ा फ्री है गाइस, तो थोड़ा ऐड वगैरह चलते रहता है, बट मेरे हिसाब से इतना बेस्ट एप्लीकेशन लगा मुझे। इसकी ऑल इन वन है, इसमें वीडियो रिटच कर सकते हो, वीडियो को आप एकदम डिटेलिंग में रिटच कर सकते हैं, जो कि आपको लैपटॉप वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन शॉट कॉलेज बोल के है, वाटर मार्क रिमूवल भी है। अगर आपके वीडियो में फोटो में कुछ वाटर मार्क है तो उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। आप देख सकते हो वीडियो एडिटिंग का यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। तो आप देख सकते हो मेरे पास ये एक वीडियो है, मैं वीडियो इम्पोर्ट कर लेता हूँ। हम आठ सेकंड का वीडियो हम इसमें डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ इस वीडियो का बैकग्राउंड मैं रिमूव कर दूँगा इस, तो बहुत ही आसानी से इसमें आप देख सकते हो एडिटिंग पे जाना है आपको। एडिटिंग पे जाने के बाद आपको देखो क्या करना है, इसमें आप देख सकते हैं मैच क्वालिटी वगैरह है, डिटेक्ट फेस वगैरह, स्मार्ट कटआउट बोल के देख सकते हो यहाँ पर। तो स्मार्ट कटआउट पर आपको क्लिक करना है, जस्ट बैकग्राउंड पर जाना है, ठीक है। स्मार्ट कटआउट पर जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सेलेक्ट करना है आपको। देख सकते हो वहाँ पे ऊपर दिखा रहा है स्मार्ट कटआउट इन प्रोग्रेस बोल के दिखा रहा है। तो इस तरह से आप बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से इसमें कटआउट कर सकते हो अपने स्मार्ट कटआउट कंप्लीटर। देख सकते हैं यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन है, देख सकते हो वीडियो एकदम ही आसानी से कट कर चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो वीडियो एडिटर, तो इस तरह से गाइस इतना अच्छा परफेक्टली रन करता है इसमें, ठीक है। करंट डज नॉट सपोर्ट बोल के दिखा रहा है इसमें, एक्चुअली हमने स्टार्टिंग में ये कर दिया था बोल के नहीं आ रहा इसमें। तो कुछ इस तरह से आप इसमें आसानी से कर सकते हो गाइस। देख सकते हो इसमें वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर चुका है, देख सकते हो। तो काफ़ी हद तक यार बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप इसमें वापस बैकग्राउंड या फिल्टर वगैरह ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। वीडियो इन्हेंसर बोल के आप देख सकते हो इसमें, अगर आपके वीडियो में क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो गया तो उसको भी आप यहाँ पे ठीक कर सकते हो। टचिंग ऐड में बहुत ही अमेजिंग फीचर्स है गाइस इस एप्लीकेशन में। और हम कुछ यहाँ से देखेंगे, देख सकते हैं ये मेरे पास वीडियो है। अब मैं चाहता हूँ इस वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना है। देख सकते हैं यहाँ पे एंटी शेक, अगर आपका वीडियो वगैरह अगर फुल ब्लॉगिंग वगैरह करते हो वीडियो शेक हो जाता है तो वहाँ से आप ये कर सकते हैं उसको। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छा लगा है कस्टमर, यहाँ देख सकते हो बहुत सारा बैकग्राउंड है। अब यहाँ से जैसे कुछ लोग हैं जो स्टेटस वीडियो वगैरह बनाते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है यहाँ पे यूज़ के लिए। यहाँ पे क्रोमा की वगैरह दिया गया, अभी हमने बैकग्राउंड यूज़ किया था
तो क्रोमा की भी एक्चुअली इसमें बहुत ही परफेक्ट काम करता है गाइस। मुझे क्रोमा की यूज़ करना नहीं है, देख सकते हो गाइस स्मार्ट कटआउट इन प्रोग्रेस में, देख सकते हो वीडियो का बैकग्राउंड बहुत ही आसानी से चेंज कर दिया। देखते हैं कुछ वीडियो में आपको ऐसा सर्कल वगैरह, यस तो देख सकते हैं वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर चुका है। तो कैसा लगा गाइस वीडियो, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो गाइस इस पर तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर बनता है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब लाइक सब कर दो गाइस, ठीक है। अगर इस एप्लीकेशन के बारे में और कुछ डिटेल अगर आप लोगों को चाहिए तो गाइस सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, मैं हर एक डिटेल इस एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी मैं वीडियो रील्स के लिए यहीं से बनाता हूँ और काफ़ी वीडियो सेल करता हूँ लोगों को। तो गाइस कुछ और चाहिए इस एप्लीकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन तो कमेंट में बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।